हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। ये कानून वजारत कानून ने नहीं बनाया था। अगर वजारत कानून ने बनाया होता तो वजीर कानून जिम्मेदार थे। सिलेक्शन की तैयारी के लिए खत्म नबूवत जैसे लोगों के लिए जो दिल के करीब है और एक हसास मसला है, उससे खेल रहे हैं। हमें सिर्फ इस बात का एहसास है कि हम कोई कहीं नुकसान नहीं देखना चाहते। कनपट्टी पे पिस्तौल रख के कोई मनवाना चाहता है, ऐसी शर्त नाकाबिल कबूल है। अगले 24 घंटों में इंशाल्लाह कुछ ऐलानात सुनेंगे। बड़े बड़े दावे करने वाले वजीर दाखिला से पार्टी क्यादत भी नाराज। इस्लामाबाद धरने को दुरुस्त अंदाज में डील क्यों नहीं किया? नवाज शरीफ वजीर दाखिला एहसन इकबाल की कारकर्दगी पर बरहम। पाकिस्तान भी फट पड़े, कहा 22 रोज तक डटे रहने के बाद जाहिद आमिद के इस्तीफे से पार्टी की सुबकी हुई। फैजाबाद धरने से इमलाक का बड़ा नुकसान, जलाई गई गाड़ियां उठाने का काम जारी। मेट्रो स्टेशन का खुदकार जीना भी तबाह, बुजुर्ग शहरी सीढ़ियां चढ़ने पर मजबूर। लाहौर वालों की धरने वालों से जान अब तक ना छूटी। पंजाब असेंबली के सामने धरना आज भी जारी। राणा सनाउल्ला से मुस्ताफी होने का मुतालबा। सूबे के तालीमी इदारों में तदरीस आज भी मौतल। 70 साल से मुल्क के साथ जो हो रहा है वो अफसोसनाक है। कभी वजीर आजम को हटाया जाता है, कभी फांसी दी जाती है, कभी गिरफ्तार कर लिया जाता है तो कभी जिला वतन। नवाज शरीफ की कारकुनान से गुफ्तगू, कहा दिल में बहुत बातें हैं लेकिन एक दो रोज बात करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने हुदैबिया रेफरेंडम बुनियादी रिकॉर्ड तलब कर लिया। मुशर्रफ दौर में नैब कयाम की तमाम तफसीलात भी मांग ली। 4 हफ्ते की मोहलत दे के वकील की दरखास्त मुस्तरद, जो काम आज नहीं हुआ वो 4 हफ्तों में भी नहीं होगा। जस्टिस मुशीर आलम के रिमार्क्स, समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी। में मरकजी मुलजिम शाहरुख जतोई और दीगर 3 मुलजिमान की सजाए मौत का लदम। सिंध हाई कोर्ट ने मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी। केस असरे 9 समाअत के लिए सेशन कोर्ट भेज दिया गया। 25 दिसंबर 2012 को शाहजेब को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पसंद की शादी करने वाले जोड़े को कत्ल करने वाले 9 मुलजमान पेश। 2 दिसंबर तक जिस्मानी पुलिस के हवाले कर दिया गया। वजीर आजम ने इक्तसादी राबता कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास में गंदम और LNG की ड्यूटी के हवाले से अहम फैसले होंगे। अहम बैठक में चीनी बरामद करने और CPEC से मुतालिक अहम फैसलों का इम्कान। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा के निजी तालीमी इदारों में सालाना फीसें 3% से जायद बढ़ाने पर पाबंदी आयद कर दी। समर कैंप्स लगाने से भी रोक दिया। स्कूल वैन में तलबा के लटकने पर चालान स्कूल माफ कटेगा, तफसीली फैसला जारी। फैसलाबाद में CIA पुलिस की हिरासत में मुलजिम हलाक। लवाहिकीन का जिला काउंसिल चौक पर धरना। इंस्पेक्टर समेत 5 एहलकार मौतल। IG पंजाब ने RPO से रिपोर्ट तलब कर ली। भारतीय फौज की अम दुश्मनी, पूंछ सेक्टर में सिविलियन आबादी पर फायरिंग, 2 अफराद जख्मी हो गए। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई।